Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter 3 of Class 8 Computer, which named is more on MS Access. In the previous chapter, we have already told you uh, we have already done up uh, MS Access, basic knowledge of MS Access. So, in this video, we will read about queries, form, reports, and so many things. So let's start. नॉट डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दिस डेटाज़ आर स्टोर्ड इन टेबल्स विच में कंटेन हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स सो सर्चिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्डर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स वुड्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम आज कल डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ डेटा यानी डेटा के अमाउंट को इस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये डेटा जो है वो टेबल में इस्टोर होता है जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं ये टेबल्स कंटेन करते हैं रखते हैं सो so, इस डेटा किसी पर्टिकुलर इस डेटा में इस डेटा में से या इस रिकॉर्ड से या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढना या किसी ग्रुप किसी रिकॉर्ड्स के ग्रुप को ढूंढना हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा यानी कि वो बहुत ज़्यादा जा, हमारा टाइम ले लेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेक करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम एक्सेस ने क्वेरीज़ प्रोवाइड कराई है क्वेरीज आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑब्जेक्ट टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ डेटाबेस दैट मीट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया द डेटा रिट्राइव्ड थ्रू क्वेरी कैन बी सेव्ड सेपरेटली इन अ क्वेरी टेबल तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम एस ने हम हमें जो है प्रोवाइड कराता है क्वेरीज़ तो क्वेरीज जो होते हैं वो ऐसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें एक किसी एक टेबल या ढेर सारे टेबल्स के डेटाबेस से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कराता है यानी रिट्राइव कराता है जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करता है और ये डेटा जो है वो किस तरह से रिट्राइव होते, है? होते हैं क्वेरी से डिट्राइव्ड होते हैं और ये क्वेरी जो है वो सेपरेटली क्वेरी टेबल में सेव हो जाते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेरीज़ वन यूज़ वन कैन यूज़ अ क्वेरी टू व्यू अ सबसेट ऑफ द डेटा और टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द डेटा कोई भी क्वेरी को यूज़ कर सकता है डेटा को देखने के लिए या डेटा के सेट को देखने के लिए और डेटा के बारे में आ, आंसर uh, गेट कर सकते हैं यानी क्वेश्चन डेटा के बारे में अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू लिस्ट व्यू अ लिस्ट ऑफ़ स्टूडेंट्स नेम अगर सपोज दैट आपने एक टेबल बना रखा है स्टूडेंट्स के नाम का और उसमें आपने स्टूडेंट्स नेम फ़ोन नंबर एड्रेस उनके मदर फ़ादर का नाम बहुत कुछ ऐड कर रखा है और सपोज़ दैट आप सिर्फ़ और सिर्फ उस टेबल से उस टेबल के लिस्ट से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम और उसका फ़ोन नंबर चाहते हो तो सब आपके लिए तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सारे डेटा को एक साथ हैंडल करना होगा फिर उसमें से उन रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा जिसको आप चाहते हो तो इसके लिए क्वेरी जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अलग से क्वेरी जो है क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसमें हम उन लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं जो लिस्ट हम चाहते हैं देखना जैसे कि हमने एक टेबल तैयार किया था स्टूडेंट्स नेम के नाम मतलब नाम से और उसके बाद उसमें स्टूडेंट नेम था फ़ोन नंबर था एड्रेस था और भी बहुत सारे डेटा थे तो हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फ़ोन नंबर देखूँ तो इसके लिए हमको क्वेरी क्रिएट करना होगा क्वेरी जो हमें वैकल्पिक रूप से यानी हमें एक ल्टरनेट मोड देता है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर रूप से सपोज दैट इफ यू वॉन्ट अ लिस्ट ऑफ़ दोज स्टूडेंट्स हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया यू हैव टू जस्ट डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ़ दोज स्टूडेंट्स इन द क्वेरी सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ओपन टेबल्स ऑफ क्वेरीज इन क्वेरी डिज एंड व्यू सो अ क्वैरी कैन बी बेस्ड ऑन टेबल्स ऑन ऑन अदर क्वेरीज, क्वेरी जो है वो आपके टेबल पे भी बेस हो सकता है या फिर कुछ अदर क्वेरीज पे भी बेस हो सकता है टू क्रिएट अ क्वा यू ओपन द टेबल्स और क्वेरीज ऑन विच यू आर गोइंग टू बेस योर क्वेरी इन क्वेरी डिज़ाइन व्यू एंड देन यूज़ द ऑप्शन इन डिज़ाइन व्यू टू क्रिएट यूर क्वरी क्वायरी को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल ओपन करना होगा या उन उस क्वायरी को ओपन करना होगा जिसमें आप अपनी क्वा को बेस करना चाहते हो और फिर उसके बाद आपको क्वा डिज़ाइन भी ओपन करना होगा और वहाँ से फिर इसके बाद आप डिज़ाइन व्यू में जाओगे और वहाँ से आपको क्वेरी क्रिएट करनी होगी तो और उसके बाद आप जैसे ही क्वेरी क्रिएट कर लोगे आपको रन बटन से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो यू कैन सेव योर क्वेरीज़ फ़ॉर लेटर यूज़ आप अपनी क्वेरीज़ को सेव कर सकते हो जिससे कि आप बाद में उसे यूज़ भी कर सको सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स टू क्रिएट क्वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट टैब यू विल गेट द क्रिएट टैब आफ्टर द होम टैब

मतलब एक टेबल आपके सामने एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा क्लिक द टेबल्स स्टैब इफ़ यू वॉन्ट टू बेस योर क्वेरी ऑन टेबल्स आपको टेबल स्टैप टेब, अगर आप उसमें आपको थ्री ऑप्शन मिल जाएंगे एक टेबल स्टैब होगा एक क्वेरी स्टैब होगी और एक बोर्ड टैब होगा तो उसमें से आप क्या करोगे अगर आप टेबल पे बेस करना चाहते हो तो टेबल पे क्लिक क्लिक कर लोगे अगर आप अप, अपनी क्वेरी को क्वेरी पे बेस करना चाहते हो तो क्वेरी पे क्लिक करोगे अगर आप दोनों पे मतलब आप अगर क्वेरी और टेबल दोनों चाहते हो कि आपका जो क्वेरी है वो दोनों पे बेस हो तो उसके लिए आपको बोर्ड टैप पर क्लिक करना होगा देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लिक टू चूज़ द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वॉन्ट टू बेस यूर क्वेरी उसके बाद आप टेबल को चूज़ करोगे या उन क्वेरी को चूज़ करोगे जिस पे आप अपनी क्वेरी को बेस करना चाहते हो क्लिक ऐड द टेबल अपीयर्स इन द विंडो आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे आपको एक टेबल अपीयर होगा छोटा सा विंडो में विंडो के रूप में क्लिक टू चूज़ द नेक्स्ट टेबल और क्वायरी ऑन विच यू वॉन्ट टू बेस यूर क्वेरी आप फिर उसके बाद नेक्स्ट टेबल पे या नेक्स्ट क्वेरी पे क्लिक करोगे जिस पे आप अपनी क्वेरी को बेस करना चाहते हो कंटिन्यू क्लिकिंग टेबल्स आप अगर कंटिन्यू टेबल्स पे क्लिक करते रहोगे या क्वायरीज पर करन, करते रहिए जब तक कि आपका जो सारा टेबल या क्वेरी जो है वो आपके यूज़ में ना हो जाए क्लिक को क्लोज एक्सेस चेंजेस टू क्वेरी डिज़ाइन व्यू और उसके बाद आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा और आपका जो एक्सेस है वो क्वेरी डिज़ाइन व्यू में चेंज हो जाएगा सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू द पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट टैब आफ्टर दैट यू यू हैव टू गो ऑन द अदर ग्रुप फ्रॉम हेयर यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लिक टेबल्स यहाँ आपको आप मैंने जैसा कि बताया आपको यहाँ पर थ्री ऑप्शन मिल जाएंगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इसमें बुक में आपको ईजिली दिखाई देगा तो यहाँ से आपको जिसपे क्लिक करना होगा ऐड करना होगा मतलब टेबल पर बनाना चाहते हो क्वारी बनाना चाहते हो आपके लिए बोथ का भी एक ऑप्शन मिलेगा तो आप जिस पे क्लिक करना चाहते हो क्लिक करो और उसके बाद फिर यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद आपको एक छोटा सा विंडो सामने नजर आएगा ये जो विंडो है आपको दिखाई देगा और इसमें आपके जो टेबल के क्राइटेरिया थे जो आपने टेबल्स फीड कर रखा था मतलब टेबल्स में जो भी फील्ड आपके थे वो सारे फील्ड इस छोटे से विंडो में आपको दिखाई देंगे तो ये आपका हो गया क्वेरी डिज़ाइन व्यू सो इन इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू क्रिएट क्वेरी विथ मल्टीपल क्राइटेरिया बिफोर गोइंग ऑन the नेक्स्ट वीडियो जस्ट wait for फ्यू मिनट्स तो सबसे पहले आपको समझते हैं कि न, कैसे करना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा क्रिएट हो, टैब पे जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है होम के जस्ट बाद मिलेगा उसके बाद आप जाओगे अदर ग्रुप में अदर ग्रुप में आपको मिलेगा क्वेरी डिज़ाइन क्वेरी डिज़ाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सामने एक टेबल नजर आएगा आपने जैसे आप कर्ज़र ले जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है ऑब्जेक्ट करके कुछ लिख भी रहा है यहाँ क्वेरी डिज़ाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना सो टेबल करके आपको एक ये विंडो ओपन मिल जाएगी उसके बाद आप देखोगे कि तीन तरह के आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं टेबल्स क्वेरीज और बोथ और आपको पता है कि आपको अगर टेबल लेना हो तो टेबल पे क्वेरी बेस करना है तो टेबल लीजिए अगर क्वेरी पे बेस करना है तो क्वेरी या फिर अगर आप दोनों पे करना चाहते हो तो बोथ पे करिए उसके बाद आपको ऐड बटन पे यहाँ से क्लिक करना होगा उसके बाद आप जैसे ही उस पर ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक छोटा सा ये टेबल बन के मतलब एक विंडो के रूप में आ जाएगा और इसमें आपके टेबल्स के सारे फील्ड नज़र आएंगे जो आपने टेबल में पहले से फिट कर रखा है और इस तरह से आपका क्वेरी डिज़ाइन हो जाएगा और उसके बाद आपको क्लोज़ पे क्लिक करना होगा यहाँ से आप क्लोज बटन पे क्लिक कर दोगे और आपका जो क्वेरी है वो बन के तैयार हो जाएगा सो डियर स्टूडेंट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू क्रिएट क्वेरी विथ मल्टीपल क्राइटेरिया सो कीप वॉचिंग